जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कुछ ऐसा ही टाइटल है हमारी देश की सबसे बड़ी घरेलू सह संस्थापक निवेशक और बीमा धारक कंपनी LIC। LIC एक ऐसी कंपनी है जिस पर हमारे पापा विश्वास करते हैं, हमारे बाबा विश्वास करते हैं, हमारे दादा विश्वास करते हैं, हमारे नाना विश्वास करते हैं। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनका एक ही जवाब है, जाइए LIC में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त LIC का हाल थोड़ा डगमग चल रहा है, क्योंकि बीते समय हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी अडानी को लेकर। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसमें एक इन्वेस्टर कहीं ना कहीं LIC भी थी और LIC ने बहुत अच्छा अमाउंट अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट भी कर रखा था। हालांकि जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद जब अडानी के IPO आने वाले थे उस दौरान भी LIC की तरफ से साफ कर दिया गया था कि LIC अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि किस लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को साफ नहीं किया गया था। लेकिन फिलहाल ये पता चलता है कि बीते 50 दिनों में LIC को करीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मतलब सोच लीजिए कि हिंडनबर्ग के भंवर से अडानी तो अपने आप को नहीं बचा सके, लेकिन LIC भी कहीं बचती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है LIC में। LIC एक ऐसी कंपनी है जो निवेश करती है, वहां से मोटा मुनाफा भी कमाती है और अपने बीमा धारकों या शेयर धारकों को उसका प्रॉफिट भी शेयर करती है। दोस्तों ऐसे में LIC के लिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आगे आने वाले समय में LIC अपने इस लॉस को मेंटेन कर पाएगी या नहीं, या दोबारा से एक बार प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाएगी या नहीं।